वाली हैं और इस कार्यक्रम के क्रम में हम आपको उन सभी तथ्यों की जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर प्रांगण में, जहां पर वो अब थोड़ी ही देर में विशेष पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिवशंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं, अभ्यर्थना पूजा अर्चना आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्रनायक जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है, वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्कारानि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम् ओम स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्रवा स्वस्ति न मूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्वारक्षो हरिष्णेमि स्वस्ति नमस्कारा निम अर्पयामि नमस्करोमि भव
भगवान धाम सदा शिवाय नमः अतः ध्यानम मन ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि Yeah.
दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो समवर्तत पद्भ्यां भूर्निदिशः ॐ मुदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ मुदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्वस्वरम् हस्तप्रचारम् शुद्धात्मनम् गुरोद्वर्धनार्थे ताम्बुलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं व्यगतो कचिदाव्य कल्पयन्न मुखं किमिदासीत्यं बाहो किं विभो रूपाणा उच्यते विद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम्
ಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಗಾಧರಾಯ ವಿಲಾಪಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ ದೀರ್ಘಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತದಶೈಲ್ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸಾಯಂಕಾಲೆ ಶಿವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಶಿ ಪಾಪ ವಿನಶ್ಯತಿ ಆಜನ್ಮ ಕಟಮಾದ್ಯಾನ್ನೆ ಶಾಯಾನ್ನೆ ಸಪ್ತ ಜನ್ಮನೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ